मुस्कुराई है यार इन अयोध्या। Of the most India secured and safest place. बताओ कहाँ? बहुत सही, but यहाँ पे ना सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तगड़ा है जिसके वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं, हम लोग वहां सामने से आ रहे थे राइट, बट यहाँ पे पंगा क्या हो गया कि जो भी वॉकिंग बाई वॉक आ रहे हैं ना उनको रोका जा रहा है क्योंकि वहां पे कुछ सिक्योरिटी उनका वो क्या बोलते हैं अपना कुछ प्रैक्टिस चल रहा है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कल 22 तारीख है, ठीक है, इनॉग्रेशन होने वाला है और वीवीआईपी बहुत सारे आने वाले हैं हजारों में। ठीक है, तो सिक्योरिटी सोच सकते हो आप कैसे है, यू नो कमांडोस है, उसके बाद यूपी पुलिस है, स्पेशल फोर्स वगैरह बहुत भरे हुए है, तो सिक्योरिटी तो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, तो अलाउ नहीं कर रहे थे। बट बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए राम मंदिर का एक छोटा क्लिम्स लाने के लिए मैं क्या करा, मैं पीछे की तरफ से आया। ठीक है, पीछे की तरफ से एक और रास्ता लोकल्स ने बताया, तो वहां से बहुत मुश्किल से, जैसे कि आप देख सकते हो इस वक्त मैं बिल्कुल नंगे पांव श्री राम पथ में चल रहा हूँ। ठीक है, और मैं जब मैंने अपने घर के पास से शुरू किया था तब से लेके अब तक मैं नंगे पांव ही हूँ। ठीक है, और ये पूरा ट्रिप मैं बिना चप्पल जूते के करने वाला हूँ, गाड़ी इसीलिए मेरे को ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, मैं वो भी दिखाऊंगा सामने से आपको, तो इसीलिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी वॉक करने की थोड़ा सा। देखते हैं अपन कहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक हुआ वहां तक जाके आपके लिए थोड़ा सा वीडियो क्लिप ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चल इसी बात के चलते कमेंट डाउन श्री राम, जय श्री राम। हे पीपल, वन मोर अपडेट राइट नाउ, अब देख सकते हो मैं कहाँ पे हूँ, इफ यू कैन गेस द लोकेशन। राइट नाउ मैं पहुंच चुका हूँ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बाहर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं और देख सकते हो यहाँ पे अभी तक पूरी तरह से काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी काम चालू है। सो दिस इज द कम्प्लीट टेम्पल, अब सॉरी दिस इज द कम्प्लीट रेलवे स्टेशन। अभी ये रेलवे स्टेशन है या फिर कोई एयरपोर्ट है आप वो समझ ही नहीं पाओगे, आप वो फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे। तो काफी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यू नो इसको डिजाइन किया गया, अभी भी काम चालू है अगर आप देखो तो, लोग कारीगर दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। और आज है 21 जनवरी, कल 22 जनवरी है जब मेन इनॉग्रेशन होने वाला है। तो अभी स्टेशन के अंदर पता नहीं जाऊंगा यानी, बट स्टेशन के बाहर तो पहुंच गए, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अभी यहाँ से सीधा निकलते हैं और देखते हैं कहाँ तक अपन हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी एज आई टोल्ड यू द सिक्योरिटी इज लाइक नेक्स्ट लेवल ओवर हियर, नेक्स्ट लेवल। और अगर आप वीडियो में बने रह रहे हो तो प्लीज डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो अगर पसंद आता है तो, एंड इफ पॉसिबल डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल।
सो राइट नाउ दिस द प्लेस ओके। एंड अभी एक और सीन में बता देता हूँ, एक और चीज क्या है, मैं सोचा था एक्चुअली रुकने वाला हूँ मैं 2 दिन, बट यहाँ पे मेरे को एक इमरजेंसी आया तो उसके वजह से मेरा जरूरी काम है, उसकी वजह से मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए अब निकल के देखता हूँ कितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उस हिसाब से मैं कर लूंगा एंड उसके बाद हम लोग तुरंत निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अपने पास ज्यादा वक्त नहीं होगा निकलने के लिए, तो जल्दी यहाँ से निकलेंगे। दिस इज द अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, ठीक है। और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने की तरफ जो रूट है ना, आप अगर इसी रास्ते में जाओगे तो बाकी आप बाद में अगर आते हो तो यहाँ पे काफी सारे धर्मशाला का ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा मार्केट भी लगा हुआ है। द स्ट्रीट्स ऑफ अयोध्या धाम, यहाँ पे काफी सारे दुकान है, छोटे छोटे होटल्स भी बने हुए हैं, समोसा जलेबी, यहाँ पे फ्रूट स्टॉल दिख रहा है और देख सकते हो इसी हालत में अपन बच बच के वॉक कर रहे हैं नंगे पांव। और ये गुजरात धर्मशाला है, गुजराती धर्मशाला। एक्चुअली यहाँ पे कोई धर्मशाला वगैरह देखना चाहता था मैं, बट यहाँ तक अपनी गाड़ी आ नहीं सकती है बिकॉज सामने पूरा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से। ये अपना वो जो राजस्थानी डिश होता है कि उसको क्या बोलते हैं, लिट्टी चोखा समथिंग, दाल भाटी, आई थिंक आई एम राइट, दाल भाटी बोलते हैं। यहाँ पे भी कोई गेस्ट हाउस बना हुआ है। वैसे मैंने जैसे कि बताया था रेलवे स्टेशन के सिर्फ सामने वाले रूट में ना अगर आप आते हो तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है। धर्मशाला वगैरह के काफी सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं और हर जगह यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस का सख्त पैरा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ऑडियो बिकॉज ऑडियो कैसा आ रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। औरंगाबाद का विश्व महाराजा प्रभु समाये हुए हैं, हमारे पास भारत से नार का खेत है। मेरे ठीक ऑपोजिट साइड में हनुमान खड़ी है और कहा जाता है श्रीराम मंदिर का दर्शन करने से पहले, राम जी के पास पहुंचने से पहले हनुमान जी से अनुमति लेनी पड़ती है और श्रीराम मंदिर सॉरी हनुमानगढ़ यहाँ पे है। ओके पीपल, सो जैसे आप देख रहे हो हम इस वक्त ऑलमोस्ट राम मंदिर के सामने आ गए। बहुत ज्यादा लगड़ा सिक्योरिटी, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आई एम विटनेसिंग। तो देखो बिल्कुल राम मंदिर के सामने इस वक्त हम लोग उसी तरह नंगे पांव आ गए, ठीक है। अब अंदर तो बेसिक ऑब्वियसली किसी को अलाउ करेंगे नहीं, पर यहाँ पे क्राउड देखो एक बार। जगह आप देख रहे हो ना मेरे पीछे, यहाँ से आने की बहुत कोशिश की थी, एकदम रेलवे स्टेशन के सामने वाला रोड है, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन से आप बिल्कुल निकल के रोड पकड़ के सामने वाला जो बाजार वाला रोड दिखाया था मैं, उसी रोड में सीधा आओगे तो आप यहाँ से आओगे, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद राम मंदिर जो है बिल्कुल सामने है, ठीक है। और मैंने अभी जो दिखाया आपको राम मंदिर बिल्कुल, बाकी यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ATS, SPF
और यूपी पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है, तो इसलिए हेलो नहीं कर रहे, सारे रास्ते बंद कर दिए गए, ठीक है। और कुछ इसी रीज़न के वजह से मुझे जल्दी निकलना होगा, क्योंकि बाद में कल परसों में शायद निकल नहीं पाऊँगा, बिकॉज सारे रास्ते शायद ही बंद कर देंगे कम्प्लीटली। मुस्कुराइए यार इन अयोध्या। तो अभी यहाँ पे क्राउड काफी कम दिख रहा है, बिकॉज पूरा एंट्रेंस वगैरह वहां पे है। तो अभी हम लोग दूसरी तरफ आए, पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ बस चल चल के, बाकी मंदिर के करीब तो अभी जाना हो नहीं रहा है, पर कोई नहीं, यहाँ तक भी आना इट्स वेरी बिग थिंग। I actually wanted to check out this Dharmashala, जो बिल्कुल राम मंदिर के सामने है। भीड़ देख रहे That's the entrance. राम मंदिर देख रहे हैं। Now right now I'm just getting out of this place now. यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए मैंने जितना एक्सप्लोर करना किया, और आई ऑल्सो हैड फूड, यू वोंट बिलीव, पूरे दो दिन के बाद मैंने खाना खाया। अन्नदान चल रहा था यहाँ पे, तो वहाँ पे जाके मैंने खाना खाया और पेट भर गया कसम से, ज्यादा नहीं थोड़ा ही, फिर भी पेट भर गया पूरे दो दिन के बाद जो खाना खाया। जब भी हाईवे पे होता हूँ या हमेशा जब भी मौका मिलता है मैं बोलते रहता हूँ कि प्लीज ड्राइव स्लो, जानवर रोड पे रहते हैं, हाईवे पे रहते हैं, कुचले जाते हैं, बहुत दर्दनाक मौत मिलती है उनको, वो कोई भी डिजर्व नहीं करता यार। आज लिटरली मैं जब सुबह से स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक 30+1 31, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ओके 31 डेड बॉडीज मैंने देखे, उसमें से 3-4 मैंने खुद हटाए बॉडीज, और ज्यादातर ना पप्पीज के बॉडीज, ठीक है, छोटे छोटे 2-3 महीने के जो छोटे बच्चे हैं यार, जो रोड पे जन्म लेते हैं, 2 दिन भी उनको सुकून का नहीं मिलता बिताने को, और दर्दनाक मौत मिल जाती है। प्लीज जब भी आप हाईवे पे हो या कहीं पे भी हो गाड़ी चलाते वक्त प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाइए, बिकॉज इवन दे हैव फैमिलीज, इवन दे डिजर्व टू लिव, ओके। Hey people, very good morning. अभी टाइम हो चला है as you can see, it's 4:54, 23rd Jan. I was about to reach home कल, but जैसे मैंने बताया था कल अगर रात तक गाड़ी चलाऊंगा constantly तो रात के 2-3 बजे तक पहुंच जाऊंगा, but obviously हो नहीं पाया, नींद आ गया था मेरे को, तो इसलिए मैं करीब अभी 250 किलोमीटर बाकी है, तो 250 किलोमीटर पहले रुक गया, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था यहाँ पे फ्यूल पंप के पास, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ठंड है, बट ऑब्वियसली नॉट लाइक नॉर्थ।
Anyways, now we'll cover the 250 kilometers in next 2-3 hours. And that's it. और ये कंटेंट के माध्यम से इतना ही है. और अगर आपको पसंद आता है ये अपना जो एक्सप्लोर वाला कंटेंट है, तो टू यू नो ट्राई टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टू लाइक द वीडियो एज वेल. और क्या बोलूँ, सुबह सुबह का वक्त है, बस अभी थोड़ी देर के लिए सो गया था. थोड़ी देर का यार, अच्छा लगा था, 2 घंटे सोया हो शायद. तो बस उठ के अभी मूव हो के ऑल सेट टू लीव नाउ. सो या फिर मिलते हैं एक और नए कंटेंट के साथ बहुत जल्द. टिल देन दिस इज डैनी साइनिंग ऑफ. यूपी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय.